आप याद कीजिए, रफाल लड़ाकू विमान को लेकर इन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान कैसी होई तबा बचाई थी, छाती पीट रहे थे, छाती। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि रफाल विमान से समझौता रद्द हो जाए, भारत में नया लड़ाकू विमान न आने पाए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इन लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को पहला लड़ाकू विमान सौंपा जा चुका है। भाई और बहनों, ये कितना भी विरोध करें, कितनी ही साजिशें करें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सेना के सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम उसे लगातार गति भी दे रहे हैं। मुझे कोई हक नहीं है कि हरियाणा का मेरा वीर जवान, हरियाणा की वीर माताओं का बेटा, हिंदुस्तान की वीर माताओं का बेटा जो देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वो बारूद और हथियार के बिना दुश्मनों के शिकार हो जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। दोस्तों, हमारे अपने तेजस लड़ाकों इन विमान को इन लोगों ने डिम्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पता नहीं किसका दबाव था, हमारी सरकार ने सारी रुकावटों को दूर करके तेजस की उड़ान को नए पंख लगाए। आज तेजस भारतीय वायुसेना की शान बन रहा है। साथियों, आधुनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से लेकर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक, समंदर में नई ताकतों से लेकर अंतरिक्ष में नई मिसाइलों तक, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर गोलियां और गोला बारूद तक हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। अपनी सेनाओं के साथ ही अपने वीर बेटे बेटियों को हम मजबूत कर रहे हैं। देश के जिन वीर सपूतों के हाथ पहले की सरकारों ने, उनके जो हाथ बांध रखे थे, उन्हें भाजपा सरकार ने खुली छूट दे दी है। आपके तो हर गांव में जवान है, वो बताते होंगे, मोदी ने कह दिया है आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, याद है ना? अरे बालाकोट का याद कीजिए, कैसे आतंकियों को घर में घुस करके मारा, याद है ना? भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके जैसे दलों की करनी कैसी रही है, इसका जीता जागता सबूत रहा है वन रैंक वन पेंशन। ये लोग आपसे झूठ बोलते रहे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया। आज न ये सिर्फ सच्चाई है, बल्कि हरियाणा के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व फौजियों को इसका लाभ मिल चुका है। अब तक उन्हें अकेले हरियाणा में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर उनके यहां जमा हो चुका है।